After the 172 target, we decided to attack from the spinner Faizan and fast combination with Kali Andi Kalimullah. और कुछ साथ मेरी फास्ट बॉलिंग विद द वन विकेट एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ प्लेयर्स के इंटरव्यू और ऑपोजिट कैप्टन के रिमार्क्स जो कि जानना उतना ही ज़रूरी है जितना इस मुल्क में इलेक्शन होना। तो ये सब देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे इस व्लॉग में क्रिकेट विद कुल फैसल। रिजवान भाई हमारे जो कि पहला ओवर करेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिन है ना, राइट आर्म लेग ब्रेक। रिजवान भाई आपने विकेट्स लेनी है। बहुत अच्छे लड़के बाबा। यू नो हम रिवेंज लेने में कैसे पीछे रह सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ अंपायर ने हमारे साथ किया जो कि स्टार्ट में अगर आपने देखा हो तो असद ने एक आउट ना देके इनके साथ किया था, तो अंपायर ने हमारे साथ करके हिसाब बराबर कर दिया। अंपायर अब आप खुश हैं? अच्छा सॉरी। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं एंड देन वो आपके ट्रस्ट पे पूरा उतरता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो बस ऐसी ही कुछ खुशी हमें कलीम से मिली थी इस विकेट पे। देखें जहाँ तक रही बात फर्स्ट टू ओवर्स की, तो वहाँ तक तो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा रहा। देन उसके बाद हमने ओवर हसन को दिया। हसन जानते हैं ना हसन को, तो भाई हसन के फर्स्ट ओवर से हमें कुछ वड़ सा गया सा महसूस हुआ। हसन ने फर्स्ट ओवर में 30 रन दिए, शायद उसे भी इलेक्शन की टेंशन थी। Hey!
देखें, आपको मैंने बताया भी था कली मोला काली आंधी है, तो देखें जब काली आंधी आती है तो फिर क्या होता है। यही होता है जो कि इस बॉल पे हुआ। क्या बात है भाई, कलीम की दूसरी विकेट शानदार तरीके से, कलीम की दूसरी विकेट शानदार तरीके से। अच्छा, मैंने बताया भी था कलीमुल्ला को कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मत दो कि बाद में अगर तुम ना दे सके तो हमें उतना ही दुख हो जितना जितना पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस महंगा होने का होता है। देखें, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। इफ़ यू आर बॉलर, आउट स्विंग करो दो बॉलें जैसे मैंने की, देन एक बॉल वाइड करो, देन द थर्ड वन सीधा इन स्विंग जैसा कि आपके भाई ने करके बोल्ड मारा। थोड़ी तालियां भी बजा दो यार, जालिमों लाइक तो करते नहीं हो। देन फिर हमने डिसाइड किया कि हसन को लाते हैं दोबारा से। यस, मुश्किल फैसला था मानता हूँ, पर यू नो, सुना तो हो गई आपने, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। ये मैंने नहीं कहा, मार्क जिंगरबर्गर ने कहा है। जी, वही फेसबुक वाला। हाँ जी, कहा था ना, रिस्क लेना पड़ता है बॉस। हसन फाइनली टेक वन विकेट विद द गुड ओवर। बस फिर क्या, विकेट हम पर ऐसे मेहरबान हुई जैसे दौलत सियासतदानों पर और पीसीबी इमामुल हक पर।
जी जनाब, जो सीक्रेट आपको बताया था, यकीन करें उसके बाद बहुत कोशिश की पर वो काम ना आ सका। शायद विकेट कम्स फ्रॉम द लक, शायद हो सकता है, वरना शाहीन आफरीदी के पास इतनी विकेट ना होती। आई डोंट नो कि वीडियो के इस पार्ट तक आप आ रहे हैं या नहीं। अगर आ गए हैं तो ट्रस्ट मी, यू लाइक द वीडियो विद द वॉइस ओवर। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा भी आएंगे, और जब आ ही रहे हैं तो दोबारा अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लेकर आएँ। डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और यहां बात हो रही है वीडियो की। विकेट्स पे विकेट्स, विकेट्स पे विकेट्स, एंड देन विकेट्स पे फिर से विकेट्स। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, क्या कुछ पर्सनल रीज़न था इस टीम के साथ कलीमुल्ला का, कि कलीमुल्ला आज के मैच के अंदर पूरी 4 विकेट्स लेकर चला गया। देखा मैंने क्या बोला था, मार देगा, पड़ गई ना। अब छोड़ो क्रिकेट भाई, इसको बोलो छोड़ो क्रिकेट। होप यू हेड बिफोर कैचेस विन मैचेस। तो बस फिर क्या, लास्ट विकेट कैच तहा ने रखा अपने हाथ में, एंड देन मैच। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत सारी नेमतों के साथ हम ये मैच जीत गए। अब जिसकी दूसरी बहस ये छिड़ गई थी कि मैन ऑफ द मैच कौन है, फैजान या फिर कलीमुल्ला।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए मैच जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी टीम हमने आउट कर दी है, ऑल आउट कर दिए सामने, और जिसमें से एक विकेट मेरी थी, चार विकेटें कलीम की थी, दो विकेट हसन की थी, एक विकेट जो है वो एक या दो विकेटें शायद से जो उसने फैजान ने ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे स्टार्ट के साथ बहुत अच्छा हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह किया है। ये हमारे कलीम भाई हैं जिन्होंने चार विकेटें ली हैं, और मैन ऑफ द मैच ये भी हैं, और फैजान भी। अब देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच बनेगा नहीं। फैजान किस तरह लगा खेल के आपको, और सॉरी कलीम किस तरह से लगा? बहुत अच्छा लगा। विकेट तो पहले बारिश की वजह से थोड़ा डेड विकेट था बैटिंग के खिलाफ, तो उसका हमने रिवेंज उठाया। मतलब कि हमें पता था हमें तो पता था कि हम जितना ज्यादा स्कोर मारेंगे उतना आगे हमारे लिए फायदा ही होगा, सही है। लेकिन हमारी टीम कम से कम स्कोर मार पाई, इतना बड़ा विनिता इधर जो है 250 का टारगेट होता है तो तब मतलब कि टीम अच्छा खेल पाती है। तो मैंने तो अपनी तरफ से भाई 100% दिया है, 3 ओवर किए, 4 विकेटें लिए, 15 स्कोर दिए है। लेकिन हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है। चलें बहुत शुक्रिया फिर नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम फैजान, 73 स्कोर आज आपने बनाया है, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। ओपन गए थे आप? नहीं, फर्स्ट डाउन गए थे। तो किस तरह से लगा आपको, थोड़े से पिच के बारे में बताएंगे? पिच जो था वो जो हम जहाँ से हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे वहाँ पे पिच था थोड़ा सही, क्योंकि बारिश हुई थी सुबह तो पिच थोड़ी जो ना खराब हो रही थी, इतनी थी कि बस खेला मजा आ गया। लेकिन जो सेकंड हैंड था ना, जो हमारा जब हैंड चेंज हुआ था वहाँ से सारे ही फंस रहे थे, वहीं से हमारी सारी विकेट भी गिरी, 7-8 लड़के हमारे दूसरे हैंड से आउट हुए 10 से 20 ओवर तक में। बाकी मजा आया बैटिंग करके, मुझे बहुत मजा आया। चले दिल गार्डन हो रहा है, लंबी सीरीज अलग। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। नसीम भाई किस तरह से लगा खेल के हमारी टीम के साथ आपको? मजा तो बहुत आया, बस ग्राउंड का मजा नहीं आया। अच्छा, टीम आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया, इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आपके साथ जल्दी खेलेंगे इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस आपकी भी अच्छी रही, बस एक अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि आपकी जो है हमारी डाउन हो गई विकेट, आपकी बहुत जल्दी जाना, बहुत जल्दी डाउन हो गई। चले इंशाल्लाह ताला हार्ड लक फॉर दिस टाइम, बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैच हमारा खत्म हो चुका है, और जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच विन कर गए हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन बॉलिंग अटैक के साथ हमने ये मैच विन कर लिया है। और आज जो बस जुमे का टाइम है, अभी जब भी जल्दी जल्दी इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और हो सके तो मेहरबानी ही होगी, हर दफ़ा आपको कहना पड़ता है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने प्यारों के साथ अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगता है। और अगर मेरे लिए कोई राय हो तो उस पर आप ज़रूर, मुझे आपकी सजेशन चाहिए होगी,